कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? चलिए अगले पोर्शन पे आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाटा डीआई में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन क्या जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ ना और जिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा कभी फिक्स होता नहीं है, बट यू हैव टू नो द करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस वन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान देख लीजिए। ये प्रश्न बोल रहा है कि आपके पास 5 संगठन हैं। ठीक है, 5 संगठन हैं और उसमें कर्मचारियों की संख्या है, संगठन ए बी सी डी और ई आपके संगठन हैं, और आपके पास डिपार्टमेंट है उसमें एचआर, फिनेंस, मार्केटिंग, आईटी और एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इनमें काम करने वालों की कर्मचारियों की संख्या। जब इस टाइप का डाटा आएगा ना तो सबसे पहला काम ना ये वाला कर लेना, सबसे पहला काम ये सब जो होंगे, ये वाला रो, ये रो को और ये वाला जो रो हर एक का ना उसको प्लस कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको इसमें निश्चित तौर पर पूछेगा आपका एवरेज वाला, ठीक, दूसरा आपको पूछेगा परसेंटेज। अच्छा, पहले क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन ये आया कि सभी संगठनों के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या, विपणन मतलब मार्केटिंग का। ठीक है, बोला क्या बोला अपने पास, सभी संगठन, संगठन आपके जो ए बी सी डी ई है ना उसमें आपके मार्केटिंग का, इसको प्लस कर लेते हैं 0 0 5, तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास, 5 आया। ठीक, 9 और 0 9 9 1 10 10 9 19 19 5 24 का 4 हासिल, 2 2 और 1 3 1 4 2 6 और ये 7 745। टोटल आपके पास कितने, 745 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि एवरेज है, तो 149 ये आपका आंसर होगा। बी का पूछा, संगठन बी का, संगठन बी के सभी विभागों में मिलाकर ठीक, ये संगठन बी का है, सबको प्लस कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 वैसे का वैसे आ गया है ना, 2 1 3 2 1 3 3 और 9 12 12 7 19 19 और 27 का 7 ठीक, हासिल 2 है ना, हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 475। ठीक है, कितना हो जाएगा अपने पास, 475 संगठन बी का, तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा देख लीजिए, जो तीसरा है संगठन बी और डी का बोल रहा है, वित्त और विपणन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग का बोल रहा है। बी और डी का बोल रहा है, वित्त और विपणन, फाइनेंस और मार्केटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग बी का, ये प्लस किए है ना भाई, 75 प्लस 95 प्लस किए तो 165 आ गया। ठीक, डी का बोल रहा है, डी का भी सेम, डी का अगर दोनों प्लस किए तो कितना है, 420 220 और 200।
पांच से डिवाइड किए तो 55, सॉरी 3 से डिवाइड किए तो 55 और 140, 5 से किए तो 11 और 28, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन का बोल रहा है, मानव संसाधन और प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या ना, कुल टोटल का एचआर एडमिनिस्ट्रेशन का ना, मतलब हमको ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन देखना है। ये लास्ट में 5 है तो यहां पर 5 हो गया पहला काम, ठीक। 6, 8, 14, 14, 2, 16, 16, 8, 24, 24 और 4, 28 का 8, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 685 इसका आ गया, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ये 0 का 0, ठीक है। 8 और 2, 10, 3, 13, 14, 3, 17 का 7 हासिल, 1, 1 और 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 70 से डिवाइड करते हैं 5 से, ये कितना आ गया, 5 एकम 5, 14, ठीक है, 5 एकम 5, 17 बचेगा, ठीक है, 134। ऑप्शन नीचे में 134 पीछे में कहीं है क्या, नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर करने का जरूरत भी नहीं है आपको, परसेंटेज वाला क्वेश्चन तो आपको निश्चित है पूछेगा ही पूछेगा, श्योरिटी है। आईटी का पूछ रहा है, आईटी का सी का, बोल रहा है संगठन सी के आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या, संगठन सी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना पर, संगठन सी का आईटी, संगठन सी का आईटी अपन देखें तो 160 है बटे इसी संगठन सी का, है ना, कुल कर्मचारी बोला है, तो ये हो गया 5, ठीक, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 12 का 2 हासिल 1, ये 5 और 1, 6 परसेंटेज है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 4 बार में 25 से 25 बार में 5 से 5 बार में 5 से 32 बार में 32 चौक 128 बटे 5 25.6 ये हमारा आंसर। पिछले कुछ वर्षों में 5 स्कूल में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है भाई, आपके पास 5 स्कूल हैं, ए बी सी डी और ई, आपके पास 5 स्कूल हैं और आपके पास वर्ष दिया हुआ है सन 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ठीक है, उसमें एसएससी का जो एग्जाम हुआ, पहले मैं डी के बारे में बात कर रहा है, स्कूल डी, स्कूल डी में 2004 में, स्कूल डी में 2004 में, स्कूल डी में 2004 में देखे तो कितने दिख रहे हैं हमारे पास, 800। उसी वर्ष सभी स्कूलों में, अच्छा उसी वर्ष ना, अच्छा 2004 में सभी, मतलब यहां पर ये कितना हो गया 800 हुआ और यहां पर ये उसी वर्ष बोला, मतलब 2004 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कितना हुआ, हमने सबको प्लस किया तो यहां पे 0, ये कितना हुआ 8, 8, 2, 10, 6, 16, 5, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 6, 8, 8 और 7, 15, 15, 8, 15, 8, 23, 23 और 8, 31 और 7,
3810 बटे यहाँ पर कितना हुआ 800 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। 00 तो कटा, चलो इसको अप्रॉक्स अपन 381 को 380 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है भाई। ये काट लिए, 2 से 4 बार में, 2 से 19 बार में, तो ये कितना हुआ 400 बट्टे 19, 19 दूनी 38 है ना, 19 दूनी 38, फिर हमारे पास क्या बचेगा 20, 19 एक कम 21 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ऐसा ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर सपोज आपको यहाँ पर क्या दिया है, नन नहीं दिया आपको यहाँ, मान लो आपको सपोज 22 के आसपास ऐसे लगभग ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, या 20.5 के आसपास दिया है, तो उस कंडीशन पे जब अप्रॉक्स वाला बात होगा ना, अप्रॉक्स वाले में क्या करेंगे, जो सबसे नजदीकी होगा ना हम उसको लेके चलेंगे आंसर, याद रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स वाला पूछता ही है। चलिए अगला आते हैं, स्कूल बी के बारे में बोला है, ठीक है, स्कूल बी के बारे में कह रहा है, स्कूल बी, स्कूल बी का औसत बोला है 0, 6, 4, 10, 2, 12, 8, 20, 4, 24 का 4 हासिल 2, 2, 7, 9, 9, 7, 16, 16, 24, 40, 5 वर्ष है तो 5 डिवाइड कर दिए 8, 0, 8, ये अपना। ठीक, 2006 में स्कूल ए में उपस्थित होने वाली संख्या, 2006 में स्कूल ए में 800, सभी वर्षों में स्कूल ए का ही सभी वर्षों का बोल रहा है ना, ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया 0, 5, 5, 10, 5, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 6, 7, 7, 2, 14, 8, 22, 22 और 8, 30 और 7, 37 परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लिए, 0, 0 कटा, 25 से काटते हैं 15 बार में, 25 से काटते हैं 4 बार में, 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं 16 बार में, 16 चौक 64 बट्टे 3, 2 बार में 1 बार में 1 बचेगा तो 21 1 बट्टे 3, या आपको 21.33 भी आपको दे सकता है। दो हजार पांच का स्कूल और डी का बोला है, स्कूल सी और डी का बोला है ना, ठीक है, रेशियो निकालना, ऑप्शन नहीं दिया इसका, ठीक है, आप ही बताएंगे इसका। दो हजार चार और 2005 का, चलिए 2004 का अपन लोग आते हैं सी और डी में, 1620 और 2005 में सी और डी में आते हैं, ठीक है, दोनों प्लस किए तो 1640, तो ये कितना हुआ, 2 से किए तो 81, 2 से किए तो 82, तो आंसर 81:82, ये हमारा आंसर है। अगला पैटर्न चेंज, अब लाइन ग्राफ, एक कंपनी के वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री, ये करोड़ में है ना, ये जो आपका, ये आपका करोड़ में,
सेल जो आपका करोड़ में, ठीक, ये वर्ष दिया आपके पास 2000, ठीक, 2001, 2002, 2003 लाइन से आपको दिया हुआ है। ये आपको बहुत बार क्या करेगा, ये आपको ये पॉइंट है ना, आपको ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर क्या मार्क करके देगा, जहाँ पर आपको इजीली आप बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या वैल्यू है। बहुत बार क्या करेगा आपको, ये मार्किंग आपको नहीं देगा, आपको एग्जैक्ट नहीं देगा आपको। जैसे आपको मान लो सपोज कोई यहाँ पर रखा पॉइंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा, स्केल से मिलाना पड़ेगा, ये अराउंड 9.4 9.5 के आसपास से करके उस चीज को याद रखना, ठीक है। ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये तो कंफर्म है, कितना परसेंटेज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है और एवरेज होता है। 2006 की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने परसेंट का कमी है, 2006 से 2008, ठीक, 2006 में अपन देख रहे हैं, 2006 में हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, 6 दिया हुआ है, 6 करोड़, और 2008 में देखें तो हम यहाँ पर क्या दिया, 5 करोड़, ठीक है। तो क्या दिया हमको यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि जो 5 है ना, 5 करोड़ 6 करोड़ से कितना कम है, कितना कम, फर्क एक का है, 6 को बेस लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 50/3, 16.66 या 16 2/3 %, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो हजार दो और 2007 के बीच का अनुपात कितना, बहुत इजी है, 2002 दो है यहां पे, दो और 2007 छः, तो 2:6, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, 1:3, 2003 से 2007 तक, तीन प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है, ये बोला अपने पास एवरेज, तो कितना, 3 4 7 7 6 13 13 और 10, दो हजार तीन से 2007 है ना, अच्छा बीच में छोड़ दिए थे, दो हजार तीन लिए तो 3, 2004 लिए तो 4, 2005 लिए तो 10, 2006 लिए तो 6, 2007 लिए तो 6 डिवाइडेड बाई 5, 3 4 7 7 10 17 17 6 23, 6 29/5, 5.8, ये जो आंसर, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स इन द ईयर 2005 एस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, 2005 का 2000 कहां से निकालना है, 2005 का 2004 से, ये कितना दिया हमारे पास, यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर कितना है 4 और यहां पर कितना है 10, क्योंकि 2005 का बोलो उसके पहले साल की तुलना में, तो यहां पे इससे पहले साल में कितना हो गया, 2004 2005, 4 से 10 गया, कितना वृद्धि हुआ है, 6/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो 300/2 150%। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है, 2005 से 2008 कुल बिक्री, 2005 से 2008, 2005 1 2 1 2 3 4 5, 10 6
6, 5 ठीक, 10, 6, 16, 16, 22 और 5, 27 ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोल रहा, देखते हैं। 2009 से 2014 तक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 2009 से 2014 के बारे में। यहां पर एक फैक्ट्री में यहां पर क्या दो प्रकार के उत्पादन है, दो प्रकार के आपके पास वाहन है, पी और क्यू, ठीक है। जो आपका इससे है आपको पी को दर्शा रहा है, डॉट से आपको दर्शा रहा है क्यू को, ठीक। ये भी याद रखना है इसमें ना, बहुत बार क्या करेगा आपको, ये जो डाटा है ना आपको यहाँ पे लिख के नहीं देगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ ना आपको लिख के नहीं देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे मैचअप करना पड़ेगा, ठीक। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोला है 2010 के बारे में बात है ना, 2010 में टाइप क्यू और 2014 में टाइप पी, 2010 में टाइप क्यू और 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। अच्छा मैं 2010 में आ जाता टाइप क्यू में, 2010 में टाइप क्यू, 2010 में टाइप क्यू 150, ठीक है, 2014 में टाइप पी, 2014 में टाइप पी, 2014 में टाइप पी 275, ठीक है ना। परसेंटेज फाइंड करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 11 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक। हाँ तो कितना हो जाएगा, 600/11, 11 × 5 = 54, 594 यही आसपास में आएगा, ठीक। याद रखना इसमें अगर मान लो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है तो अप्रोक्स वैल्यू, डीआई में अप्रोक्स वैल्यू ही आपका सबसे ज्यादा पूछता है, उसको याद रखना। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ये रेशियो निकालने बोला है, द रेशियो टोटल, द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोपोर्शन ऑफ टाइप पी वेहिकल, पी का क्यू के साथ ना, ये तो आपका कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो आपको एवरेज का पूछेगा ही पूछेगा इसमें, है ना। इससे पहले जो बताया था ना एवरेज प्रोडक्शन वाला, वो देखिए टाइप पी के वाहनों का कुल उत्पादन टाइप क्यू के अनुपात क्या है, ठीक। टाइप पी को देख लेते हैं, ठीक, टाइप पी में आ जाते हैं। टाइप पी अपने किसे डिनोट कर रहा है, एक्स से, तो 100 से करते हैं, 100, 125, 225, 225 और 200, 425, 425 और प्लस के लिए ये हो जाएगा 650, 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
सात और ये साढ़े पाँच है ना, सॉरी 650 हो गए। ठीक है वापस करते हैं, 100, 225, 450, 600, 500, 1250, 300, 450, 300, 350, 1025, 525 से डिवाइड किए तो 48, 12 चौक 48 और ये 41, तो रेशियो क्या हुआ 48:41, ये हमारा आंसर हुआ। 48:41 दिया है क्या? दिया है, ये अपना आंसर हो गया। एक एवरेज वाला तो पूछेगा ही पूछेगा आपको ना, दैट इज डैम श्योर। और इससे पहले जो आप बताते हैं एवरेज प्रोडक्शन वाला कि कितने साल अधिक था कितने साल कम वाला था, वो भी अक्सर पूछता है।
चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पी वाहनों को उत्पादन, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा पी कम निकाले थे यहां पर, हम यहां पर पी निकाले थे, पी कितने निकाले थे 1200, ठीक है। पी कितना निकला था टोटल, टोटल 1200 था, ठीक। कितने वर्ष है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो औसत उत्पादन था कितना था, जो टाइप पी वाला है ना उसका जो औसत उत्पादन था उसको मैं ये कह सकता हूं कितना था, 200 था, ठीक। अब कितने वर्ष यहां पर क्या बोल रहा है, अधिक था, 100 कम है, 125 कम है, 200 कम है, तो 3 वर्ष, ठीक है ना भाई, 3 वर्ष कौन कौन सा, 225, 275 और 275, क्योंकि यहां पर क्या बोला है कि दिए कितने वर्षों में कंपनी का पी का उत्पादन औसत से अधिक था। तो 200 को लेकर नहीं चलोगे क्योंकि 200 वैल्यू एग्जैक्ट है ना, आपको 200 से अधिक बोला है, तो 200 से अधिक बोला मतलब वो क्या होगा, 201 से चालू होगा, ठीक, या 200 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ रहा, तो वहां पे 200 एग्जैक्ट वैल्यू है। 2009 और 2013 क्वेश्चन देखना, 2009 और 2011 में टाइप पी, 2009 और 2011 में टाइप पी, ठीक है, कितना हुआ दोनों मिला के, 300 पहला काम, सॉरी 2009 2011 ना, ओके। और किसका बोला टाइप क्यू का, 2010 2014, 125 125 और ये 225, ये है ना, हाँ प्लस की तो कितना हुआ, 350, ओके भाई 350 का कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई किए, 50 6 50 7, 600/7, ठीक 600/7 है ना, टाइप क्यू का ही बोले ना, टाइप क्यू का 2010 और 2014, टाइप क्यू का 2010 और 2014 सही है, और टाइप पी का 2009 2011, ठीक है सही है। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 8 है ना, 8 बार में 85 पॉइंट कुछ कुछ होगा, ठीक, तो इसको 85 कर लीजिए लगभग, तो ये अपना आंसर होता है, ठीक है। अगला अप्रॉक्स परसेंटेज डिक्रीज, अप्रॉक्स परसेंटेज डिक्रीज, कमी बता रहा ना, 2010 से 2011 टाइप क्यू, 2010 से 2011 ठीक, 2010 से 2011 टाइप क्यू, टाइप क्यू में अपन आ रहे हैं, 2010 से 2011 ठीक, ये कितना आ रहा है, 150 से 125 आ रहा है, 25/150 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक बार में 6 बार में ये लगभग 16.6% के आसपास आ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, नए पैटर्न के हिसाब से ये अक्सर आपको क्या बोलेगा, आपको जो वो है ना आपका जो आपका पाई चार्ट है ना, आपको पाई चार्ट भी साथ में मिला के पूछ सकता है आपको, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन क्या करेगा आपको, इसमें बता रहा है कि आपके पास विभाग है, आपके पास ए बी सी डी ई, आपके पास विभाग है
और उसमें कर्मचारियों की संख्या कितना दिया आपके पास, 10% 22% 12%, ये उन पास आबादी है काम करने वालों की, और ये आपके दो शहर से आ रहे हैं, ये आपके पास दो शहर से आ रहे हैं, वो शहर कौन सा, जेड और वाई, आपके पास दो शहर से आ रहे हैं, और वो दो शहर में भी ना जो मेल और फीमेल है वो आपका इस रेशियो में है आपका, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर क्या बोल रहा है कि ये तो हम समझ गए कि टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने हैं, 80,000। उस 80,000 में यहां पर क्या बोल रहा है, ए तथा सी में शहर जेड बोला है, ए और सी में शहर जेड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब चलो ए में करते हैं, ए में यहां पर कितना परसेंट है, 10% है। तो पहला काम जब बात ए करेंगे, ए में यहां पर कितना है, 80,000 का यहां पर क्या, 10%, तो ये कितना हुआ, 8,000, ठीक है। मतलब शहर ए में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना वो कितने हैं, 8,000। अब उस 8,000 में जेड और वाई में क्या रेशियो है, 1:9 का रेशियो है, मतलब जेड जो होगा वो 1:9 10 हुआ, तो जेड होगा 1/10 भाग, वाई होगा कितना होगा, 9/10 भाग, तो इसका 1/10 भाग ये कितना हुआ, 800। मतलब शहर ए में, सॉरी कंपनी ए में जेड शहर से काम करने वाले कितने हो गए हमारे पास, 800 हो गए, ठीक। और क्या बोल रहा है अपने पास, सी का बोल रहा है, सी में कितने, 12%, इसके 12% कितना हुआ, इसका जब 12% निकाले, इसका जो 12% है ना भाई, वो आपके पास हुआ 9600 आपके पास, ठीक है, कितना आपके पास, 9600 आपके पास हुआ। और उसमें भी यहां पर क्या बोल रहा है, उसमें उस 9600 में जी जड़ के बारे में बात किया, तो 5:1 मतलब 5/6, इसका अपन लोग क्या किए, 5/6 किए, तो ये कितना हुआ, 1600, 1600 गुणित 5 कितना हुआ, 8000, ठीक है, 8000 और ये 800, तो कितना हमारे पास, 8800 दोनों मिलाकर। अगला देखो, मेल एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ई, ई का जो मेल है ना, ई का जो मेल है ए में जो कर रहे हैं कर्मचारी, अच्छा पहले ई का देख लेते, ई में कितने परसेंट है, 36%, तो पहला काम 80,000 के इस 36% में ये कितने परसेंट है, मेल जो है 8:1 मतलब टोटल 9 भाग है उसमें 8 भाग किसका है, इसका है। तो ये कितना हुआ, 8/9, 0 0 कटा, 9 एक बार में, 9 चार बार में, ठीक है। तो ऊपर हम यहां समझ जाते हैं कि कितना कितना है, 800 × 4 × 8 ये हमको बोला, ठीक, किसका, ई का। फिर क्या बोला अपने पास, मेल एम्प्लॉयज ऑफ ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज लिविंग इन सिटी जी, सिटी जेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, जेड का ए से हम समझ गए, जेड का ए से यहां पर कितना है, 10% है, ठीक, उस 10% में 1% है, 1/9, तो इस 80 का हमने 10% निकाला तो कितना आ गया था, 8000, और उसमें कितना आया था, 800, यही था मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के बारे में बात थोड़ा कट गया, 4×8=32, 32 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 3200%, ये हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड डी टूगेदर टू द फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड ई टूगेदर, ठीक है। अब मेल और फीमेल का यहां पर बोला है, रेशियो निकालना है, बोला बी और डी का, बी और डी, चले पहले बी में आते हैं, बी में कितने अपने पास, पहले ध्यान देखते हैं, 22% पहले बी का देखते हैं, तो बी का 22 कितना हुआ, इसका 22%, 22×8=176,000, ये पहला काम। अब उसमें क्या बोल रहा है, पुरुष कर्मचारी, बी में पुरुष कितने हो गए, 13×9 कितना हुआ, 22×13/22, 22 एक बार है 22,
800 × 100 कितना हुआ? 104 00। ठीक, अभी उसके निकालते हैं, अपने बी का ही निकाल देना और डी का बोला। डी में कितने परसेंट है? 20%। इसका 20% कितना हुआ? इसका जो 20% हुआ, इसका जो 20% हुआ वो आपके पास कितना हुआ? 16,000 हुआ। ठीक है, उस 16,000 में यहाँ पर मेल कितना दिया आपको? 3:2 के रेशियो में। 3:2 मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मेल कितना हो जाएगा? 3/5। तो ये जो मेल होगा इसका 3/5 होगा, तो यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा? इट विल बी 3200 × 3। तो प्लस कितना हुआ? 9,600। तो ये जो टोटल हुआ ना आपके पास कितना हुआ? 20,000। ये पहला काम। ठीक है, मतलब बी और डी का आपको यहां पर क्या बोला? बी और डी का यहां पर मेल का बोला। ठीक, अच्छा, ए और ई का यहां पर क्या बात कर रहा? फीमेल के बारे में बात कर रहा है। ए और ई का फीमेल, ठीक है, ए और ई का फीमेल। ये तो अपने को दिया ए का 10%, मतलब कितना हुआ हमारे पास? 8,000 हुआ। 8,000 में यहां पर कितना दिया? 7 और 3 मतलब 10 में कितना हो जाएगा? 8,000 का ये क्या हो जाएगा? तीसरा भाग, 3/10। तो ये पहला काम, 8,000 का 3/10। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास होगा 2400 प्लस किसका बोल रहा है? ई का बोल रहा है। ई में कितना परसेंट है? ई में 36% है। ई में कितना दिया अपने पास? 36%। ठीक है ना, 36%। तो इसका 8,000 का जो है हमारे पास 36%, तो 36/100 इंटू फीमेल के बारे में बात करें ना, ई का फीमेल कितना दिया? 1:1/9 क्या हो जाएगा? 9। कटा एक बार में, चार बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 320। कंपनी ए में आ गया ना, ए में कितना आ गया हमारे पास? 2400 आ गया। कंपनी ए का 2400 आया और ये जो है ना, ये कितना? 80,000 है ना, सॉरी, 80,000 का जो 36% है, 80,000 का जो 36% है ना, उसका जो फीमेल वाला भाग है वो कितना है? 1/9 है, एक बार में, चार बार में। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीपल कितना हो जाएगा अपने पास? 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3200। दोनों प्लस के कितना हो जाएगा हमारे पास? 56। कितना हो जाएगा? 5600। ठीक, 20,000 और क्या हो जाएगा? 5600। कटा 8 से 25 बार में, 8 से 7 बार में, 25 और 7, ये हमारा आंसर।